अल्लाह मदम मदिया मेरे अज़ीज़ बुजुर्ग अज़ीज़ भाई और मदम मुस्लिम के मुकद्दस माएँ और बहनें, कराची का इज्तिमा का मस्जिद यूसुफ, इस जगह आना हुआ तो तुम्हें चलो असर की नमाज़ ये मस्जिद यूसुफ पढ़ ली जाए और इज्तिमा का भी दिखा दिया जाए। अभी ये ज़ेर तामीर काम हो रहा है इसके ऊपर जो है ना मस्जिद के अंदर, तो ये बस आपको सरसरी से दिखा दिया जा रहा है। ये इज्तिमा गाह कराची, ये मस्जिद है, मस्जिद यूसुफी, और इसके साथ साथ ये आता है इंशाल्लाह काम चल रहा है ज़ेरे तामीर, और यहाँ पे जितनी आपको दिख रहा है मैदान यहाँ पे लगते हैं खैमे ऊपर के हिसाब से। अभी साहब को भी दिख जाएगा पूरा बंद, अभी सब मैदान पड़ा हुआ ही है, तो जितनी जमातें आती हैं यहाँ पे कराची के इज्तिमा में, तो यहाँ पे जो अपना मस्जिद है यहाँ पे सारा काम करती हैं, ऊपर पर्दे लगते हैं, यहाँ आपको तार नज़र आ रहा होगा, तार एक डंडे के बीच में ये तार नज़र आ रहा होगा आपको, ये यहाँ पे जो ऊपर किसी के पास जो है प्लास्टिक का होता है तरपाल, किसी के पास कपड़े का तरपाल होता है, बाकी अफसर हजरात को पता है कि बाकी जो मर्द हजरात हैं वो इज्तिमा गाह में आ चुके हैं, उनको पता है कि यहाँ का ये कैसा होता है, पूरा खाली पड़ा हुआ है पूरा। यानी अल्लाह माफ़ करे कि बेहयाई इतनी आम हो गई है कि जिससे कोई इंतहा नहीं है, हमें ख़ुद को पता नहीं होता कि हम कर क्या रहे होते हैं। ये मोबाइल के अंदर जो अल्लाह माफ़ करे ना मेरा औरतों को देखना ना मेरा लड़कियों को देखना, अल्लाह माफ़ करे, फिर अपनी क्या बंदा क्या बात बोलूँ मैं, अब बोलूँगा तो खामा खा भी पहली बात देखिए इसमें ये सब खवातीन भी देखती हैं। बाल खुदारा नौजवान लोगों के लिए एक मैसेज दे के खुदारा इस मोबाइल का सही इस्तेमाल कर लें, अपने आप को बद नज़री से बचाएं। आज नौजवान का ये हाल हो गया है, अब क्या सुनाऊं मैं, माँ बोलती है बच्चे से कि बेटा अरे बेटा ये जाके काम कर ले, अम्मा बच्चा बोलता है अम्मा मैं थका हुआ हूँ मैं अभी नहीं आ रहा, मैं माँ बोलती है अच्छा चल नमाज का टाइम हो गया नमाज तो पढ़ के आ जा, अम्मा हाँ मैं थका हुआ हूँ अभी पढ़ लूँगा आप बस चली जाओ, बस चली जाओ मैं पढ़ लूँगा, मैं उठ के पढ़ लूँगा थका हुआ मुझे अभी तंग नहीं करो, ये तो हमारा हाल है, हमें माँ बोलती है हम तो पढ़े हुए हैं किसी किस्म का होश ही नहीं होता। हाँ अगर यही चीज़ अगर कोई बीवी या बकौल लोगों के नए नस्लों के गर्लफ्रेंड जिसे बोलते हैं वो कर दे या फ़ोन आ जाए ना कि सुनिए काम करते हैं, हाँ हाँ अभी बिल्कुल मैं अभी सारा काम कर दूंगा मैं बिल्कुल, यानी हट्टा कट्टा बिल्कुल खड़ा हो जाएगा ये, यानी कि क्या दर्द क्या आराम सब गया। तो मेरे भाई मेरे नई नस्ल ऐसा ना करो, माँ माँ होती है, बीवियाँ हज़ार मिल जाएंगी माँ नहीं मिलेगी, माँ एक ही होती है, बीवियाँ हज़ार मिल जाएंगी आपको, तो इसलिए खुदा रहा एक तो जो ना ये मोबाइल ने जो ना बेड़ा गरक कर दिया है नई नस्लों का कि मोबाइल में आजकल बच्चे बच्चे बच्चों के पास मोबाइल है, आप खुद देख लें अपने घरों के अंदर, ना माफ़ करें हमारे अंदर हमारे घर के अंदर भी है, लेकिन हम तो खुद बहुत नहीं ताकीद बच्चों को सख्ती की हुई हम लोगों ने, लेकिन अल्लाह माफ़ करे ये हर घर के अंदर आम हो गया है ये मोबाइल, यानी कि छोटे बड़े की तमीज़ नहीं है हर लिहाज से, ज़रा मैं बातों में करना कुछ और आया था यहाँ पे, लेकिन बस अब जब रास्ते में ऐसा आ रहा था जो बे है देखते हुआ आ रहा हूँ मैं, मतलब माफ़ करे बस दिल तो इतनी इतनी कट गया कि क्या मतलब किस उस पर चल रहा है नई नस्ल किस उस पर चल रही है। तो खुदा रहा आपसे आपसे एक गुजारिश है ख़ास तौर पर बड़ों से कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, बच्चों को देखें मैंने हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं और मोबाइल के अंदर क्या चीज़ देख रहे हैं, ना आजकल छोटे बड़ों की इज्जत नहीं रही है। एक और गुजारिश माओं के हवाले से कि अपनी बच्चियों को देखें कि बच्चियां जो हैं वो क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं, आजकल का माहौल अल्लाह माफ़ इतना ख़राब हो गया कि किसी को इंतहा नहीं है। मैं एक बयान में बैठा हुआ था वहाँ पे हजरत फरमा रहे थे कि ये जो होता है ना जो हम लोग आजकल कर रहे हैं कि
बयान में क्या, मैं इसी यही कांची इज्तिमा में था, अभी अभी की बात है, फरवरी की, अपने जनवरी जनवरी के आखिर की बात है, इसी साल की यही इज्तिमा, इसी इज्तिमा गाँव में था मैं, अपने जनवरी जनवरी के आखिर की बात है, इसी साल की यही इज्तिमा, इसी इज्तिमा गाँव में था मैं, और इसी मस्जिद में खड़ा हुआ था, इसी मस्जिद में बयान चल रहा था कि हज़रत फरमा रहे थे कि जैसा करोगे वैसा पाओगे, ये एक सूत है जो ये आपको वापस पलट कर मिलेगा। तो इन नौजवान से गुजारिश है कि ऐसा ना करो, खुदा के वास्ते ऐसा ना करो। उन्होंने किस्सा सुनाया कि एक शख्स एक लड़की को लेकर भाग गया। अब वो भाग रहा है, यानी कि हत्ता के किसी मैदान में पहुंच गया वो, तो वहाँ पर ये देखा कि वहाँ पे एक ऊँटनी जो ना, ऊँटनी जिस ऊँटनी में आया था उसका बच्चा, उस बच्चा ऊँटनी का बच्चा जो ना उसमें नहा रहा था वो, तो वो जो बादशाह था वो जो जिस ऊँटनी में चढ़ के आया था ना, तो वो ऊँटनी इतनी वो थी कि वो पानी में देख कर बैठ गई। तो वो जो जिस भागा के लेके आया था ना बंदा, वो तो फरमाते हैं, वो लड़की ख़ुद फरमा रही है कि ये जो ऊँटनी जिससे हम बैठ गए हैं ना, इसकी माँ जो है ना उसको पानी में बहुत पसंद था, वो पानी में बहुत बैठती थी, तो इसी वजह से उसको देखा, हम देखे जो है ये जो ऊँटनी है जिसे हम जिसके बच्चे के साथ हमें भाग के आए हैं, इसने पानी देखा, पानी में जाके बैठ गई। तो वो जो भाग जो शख्स उस लड़की को भागे लेके आया था, उसका दिमाग सड़ गया कि नहीं साथ गलत है, तो वो शख्स वापस उस लड़की को जहाँ से उसको लेके आया था उसको जाके वापस छोड़ के आया। वो लड़की पूछती रहे, जब हालांकि उस शख्स ने उसको वहाँ छोड़ दिया, तो उस शख्स ने उस लड़की को एक बात बोली, उस लड़के ने उस लड़की को एक बात ये बोली कि जैसा आज हम कर रहे हैं, कल को खुदा ना खास्ता हमारी बेटी वैसा ना करे, यानी कि हम अगर भाग के शादी कर रहे हैं तो कल को हमारी बेटी भी जो ना भाग के शादी ना करे। तो ये बात हकीकत बात है कि जैसा करोगे वैसा होगा। आजकल मोबाइल आम हो गया है, हर बंदे के पास मोबाइल है, यानी कि खुद बातें कर रहा था, लगे पड़े में हैं। अल्लाह माफ़ करे, भी जब बड़े जाते हैं तो बाप बन जाते हैं, तो यानी कि बच्चों पे भी सख्ती करते हैं। भाई ये बात आप अच्छी तरह याद कर लोगे, जैसा करोगे वैसा आपको सूद समेत वापस मिलेगा। कल को अगर तुम, आजकल सब नौजवान हजरात जो है मोबाइल में लगे हैं बातें कर रहे हैं, अब उन सबको एक ताकीद है कि खुदा रहा ऐसा ना करें, क्योंकि आज जो आप करोगे वो सूद समेत आपको वापस मिलेगा। ये कल को आपकी बच्ची आपके सामने अपने नाम महरम से बात करेगी, आप बर्दाश्त कर लेंगे? इसको, इस थोड़ा सा कड़वे सच को आप देखें, समझें, सोचें। तो ये बस, अब ये थोड़ी सी एक बात बोलनी थी मेरे को, तो बाल कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो आप सबसे माजा चाहते हैं, लेकिन बड़ा मेहरबानी खुदा रहा आप ये सोच लो कि रमज़ान ख़त्म हो गए तो आप ये देख लें कि हम लोग यानी शैतान आज़ाद हो गया, तो अल्लाह माफ़ करे कि हम शैतान से भी क्या गुजरे, कि हम बिल्कुल शैतान से आज़ाद हो गए। तो खुदा रहा नमाज़ों का अहतमाम करें, नमाज़ें मत छोड़ें, किसी भी हाल में नमाज़ माफ़ नहीं है। तो ये आपसे एक हाथ जोड़ के गुजारिश है कि नमाज़ें मत छोड़ें। हमारे नबी ने आखिरी दम तक, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब फरमाते हैं कि हमारे नबी आखिरी मरते दम तक उनके हमारे नबी के आखिरी अल्फाज ये थे कि मेरी उम्मत नमाज मत छोड़ना। दो बातें बोलनी थी, मेरी उम्मत नमाज मत छोड़ना, नमाज मत छोड़ना, नमाज मत छोड़ना, और एक अपने मातहतों का ख्याल रखना। उस मातहतों में जो है आपके काफ़ी लोग आ जाते हैं, उस मातहत के अंदर जो है आपकी बीवी बच्चे काम की जगह पर आपके कारीगर ये सब आपके मातहत में, तो इन सब का ख्याल रखना। तो मैंने भी फरमाया कि मेरी उम्मत नमाज मत छोड़ना। तो मेरे भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, अभी हमारा एक माहौल बना हुआ है, तो इसलिए नमाज मत छोड़ें। फजर में इंशाल्लाह लोग कम हैं, लेकिन फजर में कोशिश करें उठने की, अलार्म लगा के सोएं, फजर में उठें। जज़ाकअल्लाह खैर, ये व्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया, अगर आपका कोई कीमती वक्त लिया तो मैं उसे माज़ा चाहता हूँ मैं, क्योंकि मुझे भी एक बात और करनी है, वो इंशाल्लाह इसी के दूसरे व्लॉग में इंशाल्लाह बात करूँगा। इंशाल्लाह मैं इस व्लॉग का यही इख्तिताम करते हैं।